पब्लिक डोमेन के अंदर, जिसके अंदर खाली देश के अंदर ही नहीं बांग्लादेश के अंदर भी काफी रिपोर्टें निकली हैं, जिसके अंदर जो कि शारदा चिटफंड का जो पैसा है उसको टेरर लिंक में इस्तेमाल किया गया है बंगाल में। इस संबंध के अंदर काफी रिपोर्टें निकली हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसी बात को आगे रखते हुए कहा और स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच कर रही है। केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है कि सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तीन केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो शारदा चिटफंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसमें एसएफआईओ है, इसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अंदर सीबीआई भी है और एक तरफ से जो बर्दवान ब्लास्ट है उसको एनआईए भी देख रही है। जहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का होता है उसकी प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, वो ईडी या एसएफआईओ के माध्यम से होती है, फिर आगे दूसरी संस्थाएं उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। जहां तक कि प्रश्न था, वो प्रश्न जो उठाया गया था, वो प्रश्न जो मिनिस्टर हैं वो डीओपीटी के मंत्री से उठाया गया था, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो उनका उत्तर भी दिया गया। हमारा आग्रह है और कुछ मीडिया के बंधुओं से भी कि इस विषय में जल्दबाजी ना करें क्लीन चिट देने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये जो विषय है इसमें 17 लाख गरीब लोगों का, बंगाल के अंदर ही असम उड़ीसा एक अलग में आता है, कहते हैं 25 लाख गरीब लोगों का पैसा जो है वो इसमें गमन हुआ है, इसको गायब किया गया है, इसकी चोरी की गई है।